नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। काया की माया, जी हां, आज हम आपको बताएंगे कैसे मॉडल्स के साथ वेब मूवी बनाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है और कैसे वेब मूवी के नाम पर एडल्ट मूवी बनाई जा रही है। क्या है ओटीटी की आड़ में अश्लीलता परोसने की ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। दरअसल इंदौर के एक मॉडल को वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर एडल्ट फिल्म शूट करवाया गया, फिर उसे 35 से ज्यादा पोर्न साइट पर भेज दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद कई दफन राज बाहर आ गए हैं जिससे आप जानकर चौंक जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये शातिर गैंग पहले लड़कियों को झांसे में लेते हैं और फिर बड़े वेब बैनर में काम कराने का लालच देकर एडल्ट मूवी बनाते हैं। देखिए रिपोर्ट। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप चैनल। ओटीटी अब ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जो मनोरंजन के लिए देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ओटीटी युवा नए कलाकारों को मंच देने का एक बड़ा माध्यम बन गया है, साथ ही वह कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा काम दे रहा है। वेब सीरीज के जरिए ही युवा कलाकार और मॉडल अपना नाम कम समय में बना रहे हैं, मगर कहते हैं ना, कम समय में बड़ा नाम कमाना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसके तार ओटीटी से जुड़े हैं। इंदौर शहर में कोटडी नाम से एक ओटीटी चैनल चल रहा था जिसमें ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जैसे बड़े बैनर के नाम पर मॉडल्स युवतियों के साथ एडल्ट फिल्म शूट करते थे और फिर इन फिल्मों को पोर्न साइट्स पर पैसा कमाने के लिए भेज दिया करते थे। इस गैंग का सीधा कनेक्शन माया नगरी मुंबई से था जिसके जरिए ये फिल्में न केवल देश बल्कि विदेशी पोर्न साइट्स पर भी बेची जा रही थी। आइए अब आपको इस पूरे बड़े गैंग के पर्दाफाश को लेकर सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। तारीख 25 जुलाई 2020। एक युवती पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि उसके एक दोस्त ने उसे कुछ लोगों से मिलवाया था जिन्होंने उसे वेब सीरीज में काम करने के लिए ऑफर दिया। युवती ने फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फिल्म में काम किया, जिसके बाद उसे पता चला कि उस फिल्म को उन लोगों ने पॉर्न साइट पर बेच दिया है। ये 25 जुलाई को 22 वर्षीय एक मॉडल युवती ने राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको अल्ट बालाजी और अन्य ऐसी नामी वेब सीरीज में काम दिलाया जाएगा और उसके नाम पर एक प्रोमो शूट होना है और प्रोमो एडल्ट मूवी का शूट होना है जो कि वहाँ अल्ट बालाजी में भेजा जाएगा और अगर वो स्वीकृत हो गया तो उसको वेब सीरीज में काम मिलेगा। यह कहकर एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक फार्म हाउस है उस पर यह एडल्ट वीडियो शूट किया गया और उसको ये बताया गया युवती को कि हम इसको सिर्फ प्रोमो के तौर पर शूट कर रहे हैं और बाद में जब आपका ये प्रोमो स्वीकृत हो जाएगा तो आपको काम मिलेगा। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद उस युवती को ये पता पड़ा कि वो जो प्रोमो शूट किया गया था वो एडल्ट वेबसाइट्स और पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर प्ले किया जा रहा है, डाल दिया गया है। इस बात की शिकायत उसने साइबर सेल में दर्ज कराई थी। साइबर सेल ने इस शिकायत की पड़ताल करते हुए इसमें FIR दर्ज की, अपराध दर्ज किया है सेक्शन 66E, 67 और 67A IT एक्ट के तहत। साइबर पुलिस ने जब इस मामले में तहकीकात की तो पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें युवती से संपर्क करने वाले मिलिंद और इस फिल्म में असिस्टेंट कैमरामैन की भूमिका निभाने वाले अंकित सिंह चावड़ा को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के उपरांत इसमें साइबर सेल ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मिलिंद डावर और अंकित चावड़ा। मिलिंद डावर जो है वो अपने आप को मॉडल कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बताता था और वही इस जो हमारी पीड़ित युवती है इसको ये कहकर कि आपको काम मिलेगा और इसने डायरेक्टर बिजेन से इसको मिलवाया था और वहीं पर फिर ये फिल्म शूट के दौरान ये भी मौजूद रहा। और अंकित चावड़ा वो व्यक्ति है जो इस फिल्म में असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में वहां पूरे समय मौजूद रहा। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, शेष आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जब मिलिंद और अंकित से पूछताछ की तो दोनों ने बड़ा खुलासा किया।
आरोपी मिलिंद ने बताया कि मूवी को पोर्न साइट पर बेचने और मुनाफा कमाने वाले शातिर अपराधी का नाम ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर है। जी हाँ, ये वही ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर है जो इंदौर शहर में पहले भी कई लड़कियों के साथ इसी तरीके से फिल्म बनाकर पोर्न साइट पर बेच चुका है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी विजेंद्र सिंह गुर्जर की तलाश में टीम गठित कर प्रदेश से बाहर भी भेजी गई है। आपको आगे और कुछ बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर कौन है। उत्तर प्रदेश के जैतपुर का रहने वाला है। पिछले 8 सालों से माया नगरी मुंबई में सक्रिय है। कई प्रोड्यूसर और शॉर्ट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के संपर्क में है। अशोक सिंह और ब्रजेंद्र पांडे को एडल्ट फिल्म बनाकर बेचता था। मोटा मुनाफा कमाने के लिए वो ये काम करता था। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो साइबर पुलिस की गिरफ्त में आए मिलिंद और अंकित ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि आखिर कैसे वो मॉडल्स को झांसे में लेते थे और वेब मूवी के नाम पर एडल्ट मूवी शूट करवाते थे। साथ ही आरोपियों ने यह भी बताया कि कैसे वो मॉडल्स को गिरोह के सरगना ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर सिंह उर्फ सिंह साहब तक ले जाते थे। दरअसल मिलिंद और अंकित दोनों ही इंदौर शहर के रहने वाले हैं। मिलिंद इससे पहले मॉडलिंग शॉप और मॉडल्स को बड़े शो में कोऑर्डिनेट करने का काम करता रहा है और इसी तरह कई मॉडल्स उससे कांटेक्ट में हमेशा रहती हैं। लेकिन उसकी तलाश उन मॉडल्स पर जाकर रुकती। मिलिंद को पहली नजर में समझ आ जाता था कि किस मॉडल को आसानी से झांसे में लिया जा सकता है। युवती ने सबसे पहले मिलिंद के खिलाफ साइबर पुलिस में शिकायत की थी। सबसे पहले मिलिंद ने उसे झांसे में लिया और एकता कपूर के OTT चैनल ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर उसे ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर से मिलवाया था। साथ ही उसी समय किसी एक युवती को फोन लगाकर उसे एकता कपूर की पर्सनल असिस्टेंट बताकर वेब सीरीज में काम दिलाने के लिए पक्का कर लिया और मॉडल के सामने शर्त रखी कि ऑल्ट बालाजी में एडल्ट फिल्में वेब सीरीज में बनकर तैयार हो रही हैं। ऐसे में उसे प्रोमो शूट कर ऑफिस भेजना होगा। मॉडल इस काम के लिए तैयार हो गई और फिर यहाँ से शुरू हुआ एडल्ट फिल्म बनाकर उसे पोर्न साइट पर डालने तक का सफर। पूछताछ में ये जो पीड़ित युवती है उसने ये बात बताई है कि उसको जब वो वहाँ पहुँची शूट के लिए तो उसको मिलिंद ने एक फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके एक युवती से उसकी बात कराई और ये कहा कि ये एकता कपूर की पर्सनल असिस्टेंट है और उस युवती से बात करा के उसको ये विश्वास दिलाया गया कि ये जो एडल्ट मूवी यूज़ हो रही है ये प्रोमो के रूप में यूज़ की जाएगी, ये उसको युवती को विश्वास दिलाया गया। इंदौर के एरोड्रम इलाके के फार्म हाउस पर इस फिल्म की शूटिंग की गई। 25,000 रुपए प्रतिदिन किराए के हिसाब से 4 दिन के लिए ये फार्म हाउस किराए पर लिया गया। इतना ही नहीं, मॉडल को 5,000 रुपए प्रतिदिन देने का वादा कर फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। इस फिल्म का नाम रखा गया काम वाली बाई। लेकिन बाद में इस फिल्म को देश और विदेश की 36 से ज्यादा पोर्न साइट पर संता बाई 2020 के नाम से अपलोड कर दिया गया। निश्चित तौर पर जानकारी थी, अभी दस्तावेजी साक्ष्य तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जो पूछताछ में बात आई है कि 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसका किराया ये लोग जो है वसूल करते थे शूटिंग के लिए। और जिस दिनांक को ये फिल्म बनी है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने की है, वो 26 दिसंबर 2019 है और उस समय ये घर जो है, ये फार्म हाउस जो है, 4 दिन के लिए किराए पर लिया गया था, ऐसा बात पूछताछ में आई है। इस फिल्म में काम करने वाले मॉडल को बताया गया कि सारे एडल्ट फिल्म शूट कर ऑल्ट बालाजी को भेजे जाएंगे और जब अप्रूवल मिलेगा तो मॉडल को काम करने के लिए मुंबई बुलाया जाएगा। इस बात से अनजान मॉडल ने अपना मॉडलिंग और वेब सीरीज में करियर बनाने के लिए जैसा डायरेक्टर कहता गया वैसा करती गई। इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मिलिंद मॉडल कास्टिंग कोऑर्डिनेटर और अंकित चावड़ा असिस्टेंट कैमरामैन के तहत फार्म हाउस में मौजूद रहे और फिल्म की शूटिंग ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर के साथ ही की गई।
मामले का जब खुलासा हुआ तो तीन और युवती साइबर पुलिस में शिकायत करने पहुंची और तीनों युवतियों ने बताया कि इंदौर के विजयनगर इलाके में स्कीम नंबर 78 में एक बंगले में भी उनके साथ इसी तरीके से एडल्ट फिल्में शूट की गईं और उन्हें पॉर्न साइट पर डाला गया। जो हमने एफआईआर दर्ज की है जिसमें एक पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके पश्चात दो युवतियां और साइबर सेल आई हैं और उन्होंने पूछताछ में ये बताया कि इसी गिरोह ने और भी कुछ पिक्चरें बताई थी जिसमें उनको भी प्रलोभन देकर कार्य कराया गया था और बाद में ये पता चला कि वो पोर्नोग्राफिक साइट्स पर डाल दी गई हैं। एक उसमें अंतर जरूर उन्होंने ये बताया पूछताछ में कि वो एरोड्रम क्षेत्र के फॉर्म हाउस पे ना शूट होकर इंदौर के स्कीम नंबर 78 के एक बंगले में वो फिल्में शूट की गई। पुलिस उन मॉडल्स को एरोड्रम के उसी फार्म हाउस पर लेकर गई और विजयनगर के बंगले पर जाकर सर्चिंग की, जिसके बाद फार्म हाउस और बंगले के मालिक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हमारा जो एफआईआर है उसमें जो पीड़िता ने जो एरोड्रम थाना क्षेत्र का जो फार्म हाउस बताया था वहाँ पर हम आरोपियों को और पीड़िता को भी लेके गए थे और उन्होंने बताया कि वहाँ किस किस तरह से क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं। प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी आई थी कि वो फार्म हाउस एक व्यवसायी अजय गोयल के नाम से है। उसमें एक और अन्य व्यक्ति उभर के सामने आया जिसने बताया कि पार्टनरशिप में मेरा फार्म हाउस है, तो उन सब बातों की अभी तस्दीक की जा रही है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि और क्या क्या पहलू इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जुबा पे केसर और जोश दिलों में तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबा केसरी। बालको मेडिकल सेंटर मध्य भारत का सबसे बड़ा 170 बिस्तरों से सुसज्जित विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल है जो वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अरे अरे अरे, मुझे मेरी लैब में उठा के क्यों ले आए? तीन तीन दवाइयाँ जुटाते हैं, फिर भी इल्लियाँ नहीं मरती। कोई ऐसी दवाई बनाइए जो सभी इल्ली का नाश करे और लंबे समय तक परिणाम दे, जो पौधों को भी तंदुरुस्त रखे। लोकाओ, लोकाओ जो करेगा सभी इल्लियों का सफाया और जिसकी असर भी रहेगी लंबे समय तक। सोयाबीन और मूंगफली के लिए सबसे प्रभावी धर्मज क्रॉप गार्ड का लोकाओ। महिमा तेरी अपरंपार, इस मिट्टी का है तू लाल। आज रखोगे ख्याल, पौधे का रोशन होगा कल। करे सल्यूट। कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का केमैक्स सुपर, करे सल्यूट हर कोई। बच्चों, इस मुहावरे का मतलब बताओ। सर। हाँ बताओ। इस मुहावरे का अर्थ है किसी को हरा देना, जैसे कि पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट ने सारे विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट के दांत खट्टे कर दिए। सर, इसलिए पतंजलि दंत कांति बन गया है करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, टुमरू, बबूल जैसे लाभकारी जड़ी बूटियां, दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। नाकोड़ा टीएमजी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित, जो खदान के शुद्ध लोहे से बनता है। नाकोड़ा टीएमजी, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। मोहन, तुम्हें धान में शीत ब्लाइट से नुकसान की फिक्र नहीं होती? मैंने मत्सुरी का प्रयोग किया है, इसलिए चैन की बांसुरी बजा रहा हूँ। मत्सुरी दे शीत ब्लाइट से प्रभावी और लंबे समय तक नियंत्रण। लगता है मत्सुरी हर किसान के पास पहुँच गया है। चैन की बांसुरी मत्सुरी, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का उत्पाद। तो साइबर पुलिस को अब इस गिरोह के सरगना ब्रिजेंद्र सिंह गुर्जर की तलाश है। ब्रिजेंद्र सिंह को ढूंढने के लिए साइबर पुलिस ने दो टीमें बनाई हैं, एक टीम उत्तर प्रदेश तो दूसरी टीम महाराष्ट्र में उसकी तलाश कर रही है। अब तक की हुई जांच से यह पता चला है कि इस गिरोह ने कई एडल्ट मूवी को पोर्न साइट्स पर बेचा है और लाखों रुपए का मुनाफा भी कमाया है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही ब्रिजेश सिंह गुर्जर की गिरफ्तारी होगी, जिसके बाद और बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हो सकता है। ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर ने एक मॉडलिंग शो के दौरान मिलिंद से मुलाकात की और मोटा मुनाफा कमाने की बात कहकर मॉडलिंग करने वाली युवतियों को उससे मिलवाने की बात कही। अब तक साइबर पुलिस में चार मॉडल्स ने शिकायत की है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मिलिंद ने ब्रजेंद्र से उन्हें मिलवाया और फिर वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर एडल्ट फिल्में शूट की। युवतियों को जब उनके दोस्तों ने बताया कि उनकी कुछ एडल्ट फिल्में अलग अलग पोर्न साइट्स पर उपलब्ध हैं, तब उन्होंने साइबर पुलिस आकर इसकी शिकायत की। फिल्म जो प्रोमो के नाम से शूट हुई, जिसकी की क्लिपिंग राज्य साइबर सेल की इकाई को फरियादिया द्वारा दी गई है, उसकी अगर हम बात करें तो इस फिल्म का जो बैनर है वो फिनियो मूवीज़ के नाम से दिखाई देता है, और फिनियो मूवीज़ जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही रजिस्टर्ड एक नाम है, और इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि उसका पंजीकृत ऑफिस कहाँ है, उसको कौन, इस डोमेन को कौन चलाता था, और जहाँ भी दूसरे प्लेटफॉर्म में ये पिक्चर डाली गई है ये युवती की, उसमें फिनियो के द्वारा ही भेजी जाना वहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इस वारदात के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही अश्लीलता पर कार्रवाई नहीं होती? इन पर लगाम कसने के लिए अब तक कोई भी संस्था निर्धारित क्यों नहीं हुई? जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी ना होने से वहां पर भी निरंकुशता आ रही है, और IT एक्ट के तहत ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन अश्लीलता का वो अपराध है, और किसी की प्राइवेसी को उजागर करना वो भी अपराध है, तो इसीलिए निश्चित तौर पर युवाओं को सोच समझ कर ही इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। फिलहाल साइबर पुलिस को ब्रजेंद्र सिंह की तलाश है, ताकि उसके इंदौर समेत मुंबई कनेक्शन को लेकर पुलिस जांच कर पाए और एक बड़े गिरोह का खुलासा पुलिस कर सके। देखिए, ब्रजेंद्र सिंह फरार है, मोबाइल उसने बंद किया हुआ है, और उसके बारे में जो हमारी जानकारी है कि वो जालौन उत्तर प्रदेश के जैतपुरा गांव का रहने वाला है, और शीघ्र ही हमारी टीमें जो हैं उसको गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं, शीघ्र ही वो गिरफ्तार होगा। जहाँ तक बम्बई की लिंक की बात है, हमारी जानकारी में ये बात आई है, जो आरोपी मिलिंद डावर पकड़ा गया था उसने भी पूछताछ में बताया है
कि बंबई से जुड़े दो व्यक्ति अशोक सिंह और विजयंत पांडे, ये वो व्यक्ति हैं जो इस तरह की फिल्मों को देश भर में इनको बेचने का, इनको मार्केटिंग करने का, खरीदने का, एडिटिंग करने का कार्य करते हैं। ये जो विजयंत है ये इनके संपर्क में था, इन्हीं से फिल्म एडिट कराकर फिर इन्हीं से सौदा होता था और वहीं से फिर फिल्में जो है आगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाती थी। अब तक मिलिंद और अंकित पर शिकायत करने आई युवतियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन पुलिस रिमांड में पुलिस को संदेह हुआ कि और भी बड़ी संख्या में मॉडल के साथ इस तरह के फ्रॉड इस गिरोह ने किए हैं। लेकिन जब तक ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता, तब तक पुलिस युवतियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई कर रही है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना है, लेकिन हम इसके जरिए बताना चाहते हैं जो नए युवा कलाकार सामने आ रहे हैं वो समझें और जानें कि क्या कुछ उनके दरमियान में हो रहा है, उनके आसपास में घट रहा है, इसे समझने की भी बेहद जरूरत है। और बाकी ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।